दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी के बढ़ती उम्र के साथ उसका तजुर्बा भले ही बढ़ता जाता हो लेकिन खेल के मैदान में उसे अनफिट माना जाने लगता है। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने 32 की उम्र में तहलका मचा रखा है। यह कहानी है सूर्य कुमार यादव की, जिनकी कड़ी मेहनत और सहनशीलता ने आज उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना दिया है। सूर्य कुमार यादव वह भारतीय क्रिकेटर हैं जो ODI और T20 फॉर्मेट्स में भारत के लिए खेलते हैं। वह डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई क्रिकेट टीम और IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस का एक बहुत ही खास हिस्सा है। सूर्य कुमार पहली बार तब सुर्खियों में आए जब 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें साइन किया। उस समय उन्होंने केवल 20 गेंद में 46 रन बनाए, जिसने न केवल उन्हें नाइट्स को गेम जीतने में मदद की बल्कि रातों रात वह मशहूर हो गए। सूर्य कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता अशोक कुमार यादव इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं जो सूर्य के जन्म के बाद भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर के परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल होने के लिए मुंबई आए थे। छोटी उम्र से ही सूर्य को क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी। उनके इसी क्रिकेट प्रेम को देखते हुए उनके पिता ने सूर्या को वेंगसकर अकादमी में दाखिला दिलाया। सूर्य कुमार यादव ने अपना पहला लिस्ट ए मैच विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए गुजरात के खिलाफ खेला। इसके बाद वे जल्द ही T20 में खेलते हुए नजर आए। सूर्य के बचपन के कोच अशोक सालवेकर ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान बताया, जब सूर्य पहली बार मैदान में आया तो वह सिर्फ 8 या 9 साल का था। उसे उस समय बल्लेबाजी का कोई खास अवसर तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे गेंद उठाता, उसे वापस फेंकता और वही मैदान पर ही रहता था। उस समय जब अशोक कामत सर ने सूर्य कुमार को देखा तो उन्होंने कहा कि यह लड़का काफी आगे जाएगा, और उनकी यह बात सच भी हुई क्योंकि अपनी एज ग्रुप में 50 या 60 रन बनाकर आउट हो जाने वाले सूर्य ने क्रॉस मैदान में एक मैच में केवल 40-50 गेंदों पर 140 रन बनाए, और बस वो तो एक छोटी सी शुरुआत थी जो आगे जाकर उस बच्चे को एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाने वाली थी। बात करें सूर्य की निजी जिंदगी की तो 7 जुलाई 2016 को सूर्य ने देविशा शेट्टी से शादी की। महाराष्ट्र में एक अपर क्लास साउथ इंडियन परिवार में जन्मी देविशा शेट्टी एक बहुत ही अच्छी डांसर भी हैं, जिन्होंने मुंबई में एक डांस कोच के रूप में अपना करियर शुरू किया। दोनों की पहली मुलाकात 2012 में मुंबई के आर्य पॉडर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में हुई। बात करें उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तो सूर्या ने 31 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेला और करीब एक साल में भारतीय मिडिल ऑर्डर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गए। क्रिकेट के इस मुकाम तक पहुंचने में भले ही उन्होंने थोड़ी देर हो गई हो, लेकिन उनकी इस धाकड़ बल्लेबाजी ने उन्हें क्रिकेट का एक उभरता सितारा बना दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आशा है आपको सूर्या की बायोग्राफी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।